कैसे हैं मेरे छोटे मोटे गोल मटोल से भाई? क्या बोला तूने? नहीं तो देखो, तुम कितने ही बड़े प्रो प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम हमेशा आती होगी। इनफैक्ट सभी को आती है, चाहे तुम नूब हो, चाहे तुम अल्ट्रा प्रो मैक्स प्रो क्यों ना हो, लेकिन ये प्रॉब्लम हमेशा तुम्हारे सामने आती होगी। और इस प्रॉब्लम का नाम है रिकॉल। और कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि रिकॉल का मतलब क्या होता है। तो देखो, जब भी तुम किसी भी गन की कुछ गोलियां चलाते हो तो उसमें से जो गोलियां एनिमी को नहीं लगती उसे रिकॉल कहते हैं। और अगर तुम अपना रिकॉल को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हारी हर गोली एनिमी के हेड पर लगेगी। लेकिन रिकॉल क्या होता है और कैसे कंट्रोल करना है वो आज की इस वीडियो में बताने वाला। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिक नंबर वन हमारी होने वाली है करेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में। वैसे तो फ्री फायर में काफी ज्यादा करेक्टर्स हैं और काफी न्यू करेक्टर्स आते रहते हैं अपडेट के साथ, लेकिन दो मेन ऐसे करेक्टर्स हैं जिससे तुम्हारी एक्यूरेसी और रिकॉल कम होगा। ठीक है ना? So, सबसे पहले करेक्टर जो होने वाला है वो होने वाला हमारा फीमेल करेक्टर दशा। ठीक है ना? तो इस करेक्टर के बारे में जैसे नहीं पता तो देखो स्क्रीन पे मैं तुम्हें दोनों करेक्टर्स दिखा रहा हूँ, एक है डीबी और एक है दशा। तो इन दोनों करेक्टर्स को लेकर अगर तुम खेलोगे तो तुम्हारा रिकॉल बहुत ही कम हो जाएगा जिससे तुम्हारे हेड ज्यादा लगेंगे और एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जिससे जब भी तुम एम करोगे तो तुम्हारे हेडशॉट बहुत ही ज्यादा लगेंगे। बात करते हैं ट्रिक नंबर टू की, तो वो होने वाली है हमारी ओवर हाई सेंसिटिविटी के बारे में। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी सेंसिटिविटी को कुछ ज्यादा ही बढ़ा देते हैं, डिवाइस के हिसाब से नहीं रखते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसकी वजह से उनका मोबाइल भी लैग करता है और तो और उनकी रिकॉल बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में क्या करना है कि जब भी देखो, अब मैं बताता हूँ, पहले सबसे पहले ये चीज सुन लो, अगर तुम्हारा मोबाइल 4GB से नीचे है तो ऐसे में तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारी जो सेंसिटिविटी है उसे 100 रखना है। लेकिन अगर तुम्हारा 6GB 8GB या इससे ऊपर है तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारी जो सेंसिटिविटी है उसे 80 या 70 के आसपास रखना है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हाई सेंसिटिविटी होने की वजह से भी तुम्हारा रिकॉल करता है। बात करते हैं ट्रिक नंबर थ्री की, तो वो होने वाली है हाई स्पीड मूवमेंट के बारे में। वैसे तो काफी ज्यादा लोग मूवमेंट स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी एक वीडियो आने वाली है। लेकिन तो देखो अभी बताता हूँ मेन इस वीडियो की बात करते हैं। सो कुछ लोग क्या ही करते हैं कि बहुत ज्यादा स्पीड में मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से उनका रिकॉल बहुत ज्यादा होता है। और ऐसा क्यों होता है ये साफ सीधी बात है कि अगर तुम कोई भी चीज को स्पीड में करोगे तो वो चीज तुम्हारे से सही नहीं होगी, लेकिन तुम अगर उसे स्लोली करोगे तो वो चीज इजिली तुम कर सकोगे। तो ऐसे में क्या करना है कि जब भी तुम एनिमी को एम करते हो तो तुम्हें स्ट्रेट पोजीशन में रहना, मतलब स्ट्रेट पोजीशन में। अब तुम कहोगे कि सामने वाला हमें हेड भी मार सकता है, तो लेकिन इसका भी एक तगड़ा सॉल्यूशन मेरे पास है। जब भी तुम एम करते हो तो ऐसे में तुम्हें अपना नूब वॉल कर रहे हैं, नूब वॉल के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जब भी तुम एम करते हो तब तुम्हें अपनी जॉयस्टिक को यूज करना है इधर उधर होने के लिए, मूवमेंट करने के लिए अपनी जॉयस्टिक को यूज करना है, ना कि स्प्रिट बटन को। ठीक है ना? इससे तुम्हारी एक्यूरेसी और रिकॉल बहुत कम होगा लेकिन एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर फोर की, वो होने वाली है हमारी गन का रेट ऑफ फायर। तो वैसे तो दो तरह के रेट ऑफ फायर होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो अब बात करते हैं कि कौन सा रेट ऑफ फायर क्या करता है। ठीक है, जो एक्सटर्नल रेट ऑफ फायर होता है वो हमारा वो होता है जिससे, जैसे कि अब हम स्किन लेते हैं तो उसमें लिखा होता है रेट ऑफ फायर प्लस। ठीक है, डबल रेट ऑफ फायर लिखा होता है। और लेकिन अगर हम बिना स्किन के चलाते तो वो नॉर्मल रेट ऑफ फायर होता है। ठीक है, जो गन की स्पीड होती है गोली निकलने की वो होती है, लेकिन अगर हम स्किन लगाते तो ऐसे में जो गोली निकलने की स्पीड है वो बढ़ जाती है और जिससे हमारा रिकॉल बहुत बढ़ जाता है और ये काफी ज्यादा रिकॉल बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारे हेडशॉट नहीं लगते और इधर उधर एनिमी के गोलियां लग जाती है तो हेडशॉट नहीं लगते। सो अब बात करते हैं इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो सिंपल है, जब भी तुम गोलियां चलाते हो तो जैसे कि UMP चला रहे हो, MP40 चला रहे हो, कोई ऐसी गन चला रहे हो जो ऑटो पे चलती है, सो उसकी कुछ ही गोलियां यूज करा करो। जैसे कि अगर मान लो 30 गोलियां तो 30 में से 10 गोलियां एनिमी पर मारा करो, उसके बाद अपना एम चेंज करा करो। मतलब चेंज से ये मतलब है जिया तो ग्लू वॉल लगा लिया करो, जॉयस्टिक को इधर उधर मूव कर दिया करो, मतलब एनिमी की बॉडी से एम हटा दिया करो। ठीक है ना? उसके बाद एम करोगे तो तुम्हारा जो एक्यूरेसी है वो दोबारा फिर से बढ़ जाएगी, जैसे हेडशॉट लगने के फिर दोबारा चांस बढ़ जाएंगे। तो अब बात करते हैं ट्रिक नंबर फाइव की, तो वो होने वाली है ऑलवेज प्रेफर शॉर्ट रेंज। तो अगर देखो साफ सीधी बात है, अगर तुम लॉन्ग रेंज में खड़े तो जो तुम्हारा एम का क्रॉस एयर है वो बड़ा होगा जिसकी वजह से रिकॉल ऑफ कोर्स ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना? लेकिन अगर तुम शॉर्ट रेंज में तो ऐसा जो तुम ऐसे में अगर तुम्हारा क्रॉस एयर बड़ा भी होता है तो भी तुम्हारा रिकॉल इतना नहीं होगा। सो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। बात करते हैं अब ट्रिक नंबर एट की, तो ट्रिक नंबर एट में होने वाला है चेंजिंग मूवमेंट। तो जब भी तुम एनिमी से फाइट ले रहे हो तो कभी भी ज्यादा देर तक उससे फाइट लेते समय स्ट्रेट मत रहा करो, या फिर कभी कभार ऐसा करो करो जब भी तुम एनिमी को मारते रहते हो तो उसको कंटिन्यूसली फायर मत करा करो, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि तुम्हारी जो रिकॉल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और जो तुम्हारी एक्यूरेसी है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है ना? जब भी तुम एनिमी को मारते हो तो अपनी जगह शिफ्ट करते रहो करो, जैसे कि एनिमी सामने है तो तुम्हें अपनी जगह लेफ्ट कभी राइट कभी ऐसे ऐसे इधर उधर हो के मारना है। ठीक है?
तो ऐसे में क्या होगा कि तुम्हारी जो रिकॉल है वो बहुत ही कम होगा। तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो जितने भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं इससे तुम्हारा 90% हेडशॉट रेट बढ़ेगा, सॉरी हेडशॉट रेट नहीं, सो 90% तुम्हारा रिकॉल कम हो जाएगा और एक्यूरेसी तुम्हारी 40-50% तक बढ़ जाएगी। बस यार बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। तुम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना।